दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। आज कार्यमार्ग ने कल की डेट में एक आदेश जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी और एवं समस्त विभाग जिन्होंने परीक्षा आयोजित कराई, चाहे विद्युत विभाग हो चाहे हेल्पर टू परीक्षा आयोजित करा चुके हैं जिसका परिणाम आना बाकी है। दोस्तों जो आदेश जारी हुआ है उसको लेकर काफी लोग चिंतित है, वो आदेश को समझ भी नहीं पा रहे कि आदेश किस प्रकार का है। लेकिन इस आदेश के साथ साथ आदेश तो जारी हुआ है लेकिन कई अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। वो जैसे फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, 15 जुलाई को जो एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम नहीं हो पाएगी, दोबारा से आवेदन होंगे, व्याख्यात जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, दोबारा से एमबीसी जो ईडब्ल्यूएस को 10% और 5% आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसे में जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम जो 15 जुलाई से वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो अधीनस्थ बोर्ड ने फार्मेसी के स्टेनोग्राफर और पुस्तकालय अध्यक्ष की जो परीक्षा तिथि जुलाई में तय की थी उसमें भी बदलाव होगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट जो कार्यभाग ने जो आदेश जारी किए हैं उस आदेश अनुसार कई अभ्यर्थी जो कई सालों से जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, काफी लोग तैयारी कर रहे थे, उनको थोड़ा झटका लगा है क्योंकि इस आदेश के कारण से दोबारा आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इस कारण से उन लोगों की परीक्षाओं में बदलाव होगा, जो अधीनस्थ बोर्ड है उनकी तिथियां दोबारा आएंगी, आवेदन भी होंगे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम 15 जुलाई को है वो नहीं हो पाएगी, वो आगे जाएगी, ऐसे में इन भर्ती परीक्षाओं में थोड़ा समय लगेगा, आवेदन होंगे तो कहीं आवेदन प्रक्रिया में 15 से 1 महीना 20 दिन जो भी देंगे वो समय लगेगा, उसके बाद तारीख फिक्स होगी, तो कहने कहीं ये भर्ती परीक्षा थोड़ी लेट होगी। ये उन अभ्यर्थियों को थोड़ा नुकसान हुआ, झटका लगा, जो कई महीनों से तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए एक दुखनीय और एक बुरी खबर है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो आरक्षण का जो फार्मूला जो सर्कुलर जारी हुआ मैं आपको समझाना चाहूंगा, प्रक्रियाधीन वो भर्तियां जिनमें अभी तक फाइनल चयनित सूचियां जारी नहीं है, परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है, उसमें एमबीसी को 5% दिया जाएगा। यानी कि अभी परीक्षा नहीं हुई है और परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ, या तो परीक्षा नहीं हुई या परीक्षा हो गई तो उसका परिणाम जारी नहीं हुआ, उसमें 5% एमबीसी को दिया जाएगा। इसके अलावा अभी किसी चरण की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ उसमें ईडब्ल्यूएस दिया जाएगा। यानी कि कोई भी, कई बार क्या है दो परीक्षा होती है प्री और मेन, तो अभी जैसे एलटीसी भर्ती 2018 में एक परीक्षा आयोजित हो चुकी है, ऐसे में इस पे संशय है मेरे हिसाब से, जो सर्कुलर कार्यभाग ने जारी किया है इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस को 10% उसमें नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक चरण की एग्जाम हो चुकी है, ऐसे में एलडीसी 2018 में 10% ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जाएगा, ये कार्यमार्ग के आदेश जो सर्कुलर जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आदेश जारी हुए हैं, जिन भर्तियों की अभी तक किसी स्तर की परीक्षा आयोजित नहीं की है उन सभी भर्तियों में अधिसूचना 13/2/19 अधिसूचना 19/2/19 से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के उन्हें 5% और 10% आरक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए एक चीज और कहती है, सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, सभी श्रेणियों जिसके लिए पात्रता शर्तों की गणना पुनः आवेदन की तिथि से आधार पर की जाएगी, अर्थात जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व आवेदन नहीं किया गया था अतः पूर्व आवेदन की तिथि पात्र नहीं थे लेकिन पात्रता इनकी जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे पहले पात्र नहीं थे, सभी अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया जाएगा, जो पात्र हो चुके हैं जो आवेदन नहीं कर पाए उनको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को पूरा आवेदन किया जाएगा पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, जो आवेदन पहले कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी, तथा पूर्व आवेदन के समय पात्रता पालन यानी कि पूर्व आवेदन के समय किसी व्यक्ति की जो आयु सीमा सही थी अब वो ओवरेज हो गया, ऐसे में उन अभ्यर्थी को उस आवेदन की तिथि से उनको सही माना जाएगा। दोस्तों जो आदेश जारी हुआ है उसमें कई चीजें निकल के आई सामने क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें एलडीसी 2018 के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा जो इन्होंने दे रहे हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को भी झटका लगा है क्योंकि जुलाई में उनकी एग्जाम नहीं होगी क्योंकि आवेदन दोबारा होंगे क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में ये जो सरकार और कार्यभाग ने जो आदेश जारी किया है ऐसे में कई अभ्यर्थियों को झटका लगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जिन भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका है, परीक्षा आयोजित हो चुके हैं, उनमें 4% अतिरिक्त पद सर्जित करके एमबीसी के वर्ग को दिया जाएगा जिससे अन्य वर्ग को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है मैं आप लोगों को बता दूं,
क्योंकि जो छाया पद या शेडो पोस्ट सर्जित की जाएगी उसमें कहीं ना कहीं हर विभाग, चाहे दिनेश बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, कहीं ना कहीं वो थोड़ा समय लेंगे क्योंकि परिणाम दोबारा से संशोधित होगा। यानी कि जो छाया पद या पद बढ़ाए जाएंगे, यानी कि पद घटाए नहीं जाएंगे, जो जो अभी है उन पदों को में से नहीं लिया जाएंगे, अलग से पद सर्जित किए जाएंगे। ऐसे में जो चयनित हो चुके हैं उन लोगों को, कई लोगों को नुकसान नहीं होगा जो एलडीसी 2018 में हो चुके हैं, लेकिन कई भर्ती परीक्षाओं में दोबारा से परिणाम संशोधित होगा। जैसे सेकंड ग्रेड का है, जैसे हेडमास्टर का है, एसआई का है, विद्युत विभाग का है, हेल्पर टू का है, तो इन कृषि प्रेक्षक है, एनटीटी है, लेबर असिस्टेंट है, पीटीआई भर्ती है, तो ऐसे में एमबीसी के ये पद सर्जित किए जाएंगे, 4% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं, 1 जुलाई को जयपुर में 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे एक बड़ी सभा रखी गई है, जिस सभा को दिया गया है आक्रोश या वादा याद दिला सभा। दोस्तों कार्यवाहक ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में यानी कि रिजल्ट जारी होने में, चाहे हेडमास्टर की बात हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बात हो, चाहे एसआई की बात हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक की बात हो, चाहे पशुधन सहायक भर्ती की बात हो, चाहे पीटीआई भर्ती की बात हो, चाहे हेल्पर टू जो विद्युत विभाग की उसकी बात हो, तमाम भर्ती परीक्षाओं जिनका परिणाम जारी होना है, कई भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी होनी है और कई भर्ती परीक्षाओं का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है, कई कोर्ट मिलती है। तो दोस्तों आप ये ना सोचो कि ये सर्कुलर जारी होने से हमारा 1 तारीख को होने वाला जो महासभा आंदोलन वाला समाप्त हुआ, नहीं दोस्तों, अब आप लोगों की परीक्षा, आप लोगों के ऊपर जो दुख और संकट आने वाला वो आने वाला है कि हम लोग नहीं जागे, हम लोग जयपुर अधिक से अधिक संख्या में नहीं पूछे तो कहीं ना कहीं विभाग अपने मौज मस्ती से आराम से काम करेगा, भर्तियां लटकते रहेंगे, आप रोते रहोगे। लेकिन यदि आपको सजग होकर जयपुर पूछना होगा, मजबूती से अब सरकार के सामने आवाज उठाएंगे कि जल्द से जल्द 5 दिन 2 दिन या 7 दिन के अंदर जो कार्य विभाग जो शेडो पोस्ट है जो विभागों को भेजेंगे जिनका विज्ञापन दोबारा जारी होगा, तो कार्य विभाग त्वरित यानी जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वो 4% चाहे उनको आप दे रहे हो शेडो पोस्ट करके, लेकिन कम से कम उनको जल्द से जल्द भेजे जिससे परिणाम जल्द से जल्द जारी हो सके। तो इसलिए दोस्तों आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, आप लोग सब सोचे कि आपको 1 तारीख को ज्यादा ज्यादा संख्या में आना है, इसलिए आना है क्योंकि आपका भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द आ सके, जो फार्मेस्टिक स्टेनोग्राफर और पुस्तकालय अध्यक्ष जो परीक्षा तिथि आगे गई है उनकी दोबारा से परीक्षा तिथि जारी हो सके, और इसके अलावा जो भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है, चाहे सूचना सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है, पशुधन सहायक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, प्रयोगशाला की एनटीटी कृषि प्रयोगशाला परिणाम आना है, पीटीआई भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है, तो पीटीआई वाले अभ्यर्थी है सभी से निवेदन है आपको भी आना है, पशुधन सहायक के अभ्यर्थी उनको भी आना है, आपको प्रयोगशाला सहायक अभ्यर्थियों को भी आना है, हेडमास्टर के अभ्यर्थियों को भी आना है, सेकंड ग्रेड है, एसआई है, और हेल्पर टू जो विद्युत विभाग के स्पेशल जो लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं विद्युत विभाग के अभ्यर्थी उनको भी आना है। दोस्तों कुल मिलाकर इस जो सर्कुलर जारी हुआ इसका यही है कि सर्कुलर की वजह से अब भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने में और कई मामलों को लेकर थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इस देरी को हम जल्द से जल्द तब करा सकते हैं क्योंकि 1 जुलाई को विधानसभा सत्र होगा, मुख्यमंत्री जी भी होंगे, उप मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, तो हम सब लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर सरकार से जब गुर्जर समाज अपना दबाव बनाकर आरक्षण ले सकते हैं, वो लोग जल्द से जल्द आदेश करवा सकते हैं अपने पक्ष में, तो क्या हम सब लोग, इसमें सभी जाति के लोग हैं, गुर्जर समाज के हो चाहे अन्य समाज, सभी लोग हैं, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि 1 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे, हमें दबाव बनाकर सभी परीक्षा तिथि जारी करवानी है, जो टाइपिंग पैटर्न एलडीसी 2018 का करवाना है और उसका तिथि जारी करवानी है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि 1 जुलाई भी याद रखें, सोशल मीडिया हर जगह होना चाहिए कि 1 जुलाई को हम जयपुर जा रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बने कि 1 जुलाई को बेरोजगार सड़कों पर आ रहे हैं और हम लोगों को वादा याद दिला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये लड़ाई आकार की, अन्यथा आप मुझे मत कहना कि परिणाम में देरी क्यों, क्योंकि अब इन्होंने नए जो दिशा निर्देश जारी किए ऐसे में कई परिणाम संशोधित होंगे, कई परीक्षा तिथियां दोबारा जारी होंगी, नियुक्ति प्रक्रिया और भी देर हो सकती है, लेकिन हम लोग सजग रहे, हम लोग एक्टिव रहे, हम लोगों का दबाव रहा तो जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू होगी, अन्यथा हम लोग लटकते रहेंगे जिस प्रकार कई महीनों से आप इंतजार कर रहे हैं। आपसे निवेदन इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 1 जुलाई जरूर याद रखें जयपुर पहुंचे, लेकिन एलडीसी 2018 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलना मुश्किल है जिस प्रकार कार्यवाहक ने कहा। इसके अलावा व्याख्याता भर्ती फर्स्ट ग्रेड भर्ती की परीक्षा जो 15 जुलाई को होने वाली है वो नहीं होगी, वो आगे जाएगी, दोबारा से आवेदन होंगे, यानी कि जिनकी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है तो उनके आवेदन दोबारा से भराए जाएंगे, ईडब्ल्यूएस एमबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।